हरे कृष्णा। आदि पुरुष मूवी ये दिखाने में बहुत अच्छा काम करती है कि रामायण को कैसे न दिखाया जाए। उसकी जो समस्याएं है, जो गलतियां है, वो 3 D से है। मैं विश्लेषण करूंगा। पहला डी है डिग्निटी। जो रामायण के पात्र है, शायद चाहे वो विलन भी क्यों ना हो, उनमें एक डिग्निटी है। उनके वार्तालाप में, उनके बर्ताव में, उनके चरित्र में एक ऐसी ऐसी गणना है उनमें कि जिससे उनसे उनको देख के मन में और विचार गहन रूप से आते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, किसने जो फैसला किया वो क्यों किया और क्यों वो नहीं करना चाहिए था। ये सब जो विचार करने के लिए सत्व लगता है, जो जो एक पार्श्वभूमि, जो एक एटमॉस्फियर लगता है, वह रामायण में क्रिएट किया गया है, पर इसमें वो सारा चला गया है। इसमें रामायण को एक सुपर हीरो फ्लिक बनाने के प्रयास में जो कैरेक्टर्स है उनके प्रति जो आदर का भाव है वह चला गया है। वो सबसे बड़ा जो हुआ है वह हनुमान जी के साथ हुआ है, और उसके बारे में सबसे बड़ी समस्या जो है वो दूसरे डी पे आते हैं, डायलॉग्स। जो हनुमान जी के जो डायलॉग्स है वो एक सड़क छाप गुंडे के समान जो वचन बोलेंगे वैसे बताया गया है। अभी रामायण के शुरुआत में, पहले रामायण के, राम और हनुमान के संबंध की शुरुआत में जो पहले उनकी बातचीत होती है, उसमें राम जी पहली चीज जो बोलते हैं कि इस व्यक्ति के वचन इतने मधुर है, यह व्यक्ति बहुत ही विद्वान और नम्र है, और उनके वचनों को सुन के मन को शांति मिलती है। तो यह जो यहाँ पे लाखों रुपए खर्च किए हैं, करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, और ये छोटी सी जो चीज है, ये मूलभूत जो चीज है, वो कैसे भूल सकते हैं? ये कोई छोटी चीज नहीं है रामायण में कि हनुमान जी का चरित्र क्या है। और उसी तरह से बाकी सब के डायलॉग्स भी बहुत ही चीप बनाए गए हैं। और तीसरा है कि डिपिक्शन, जो प्राचीन ग्रंथ है उसको एक आधुनिक पद्धति से दर्शाना है, तो उसमें जो काल, सनातन काल से आ रहा है, उसकी जो इमेजेस है उसको आधुनिक पद्धति से और बढ़ाना चाहिए, न कि वो जो आधुनिक को इस तरह से लाद देना उसके ऊपर कि जो पहले हमने सुना है, पहले देखा है और जब भी देखा है उसमें कोई समानता ना दिखे। तो यहाँ पे जो वेस्टर्न एंटरटेनमेंट में पॉपुलर चीजें है, गेम ऑफ थ्रोन्स या प्लैनेट ऑफ द एप्स, वहां से जो इमेजरी है उसको एक चीप इमिटेशन, उसका बहुत ही तुच्छ स्तर पे एक अनुकरण कर दिया गया है, भले ही रामायण में वह बिल्कुल फिट न होता हो। चाहे वो हनुमान जी को दाढ़ी दिखाई हो, और चाहे वो लक्ष्मण जी को दाढ़ी और मूछ दिखाई हो, या वो इंद्रजीत को टैटू के साथ दिखाया गया है, यह सब क्या दिखाता है कि जिन्होंने ये बनाया है उनको रामायण की आत्मा जो है वही, उसके बारे में कुछ पता ही नहीं। रामायण वो उसमें आखिरी जो डी है वो आता है अभी हमारे लिए कि डी डिवोशन। रामायण को इतना विशेष क्यों बनाया बना बनाए माना जाता है? क्योंकि उससे हृदय में भक्ति जागृति होती है, ना केवल प्रभु श्री रामचंद्र के प्रति, पर जिनको उनके प्रति भक्ति है उनके प्रति भी श्रद्धा और भक्ति जागृत होती है। नाट्य शास्त्र के आधार पर एक प्राचीन परंपरा है भारत में कि किस तरह से नाटक किया जाए। जो रामलीला होती है उसको भी उसी आधार पे किया जाता है थोड़ा बहुत। और नाट्य शास्त्रों में बताया गया है कि नाटक का प्रधान उद्देश्य है कि जो प्रेक्षक गण है उनमें उचित भावनाएं उत्पन्न हो, अप्रोप्रिएट इमोशन, उनको रस कहा जाता है। तो
यहाँ आदि पुरुष जो है न केवल नीरस है, पर जो रस उत्पन्न करता है वह जो श्रद्धा भक्ति का रस है उसके विपरीत है। बेहतर है कि हम ऐसी स्मृतियां, ऐसे मूवी को देखकर न ऐसी स्मृतियां न बनाएं जो हमको बाद में उनको मिटाने में समय और प्रयास व्यर्थ चला जाएगा। रामायण ये ऐसी कहानी है जिसको आधुनिक पद्धति से बनाना जरूरी है, और न केवल अच्छा है वो दुनिया, न कि रामायण की वैल्यूज है, कि जो तत्व है वो उससे दुनिया का को प्रेरणा मिल सकती है, पर वो कैसे नहीं बनाना है, कैसे एक सोलफुल एपिक को सोललेस बनाया जाए, वह आदि पुरुष से दिखता है। और प्रार्थना करते हैं कि भविष्य में रामायण को इस तरह से दर्शाया जाएगा कि रामायण का जो सार है, रामायण की जो आत्मा है, वह और अच्छी तरह से प्रकट होकर अनेक लोगों को प्रेरित कर सके। हरे कृष्णा।